स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में शहीदों को याद किया जा रहा है। आज आपको बताते हैं मंगल पांडे के बारे में। मंगल पांडे, वो नाम जिसने देश में अंग्रेजी हुकूमत को खुली चुनौती दी, एक ऐसी शख्सियत जिसने बजा दिया अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल। मंगल पांडे से ही भड़की थी जंगे आजादी की पहली चिंगारी। तन में, मन में और वतन में क्रांति की बड़ी ज्वाला भड़काने के लिए जरूरी होती है एक चिंगारी, और इस चिंगारी का नाम था मंगल पांडे। जुलाई 1827 को जन्म मंगल पांडे बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, और इस सिपाही ने ऐसी ज्वाला भड़काई कि भारत से अंग्रेजी कारोबारियों के राज का तकरीबन खात्मा ही हो गया था। सेना की बंगाल इकाई में जब एनफील्ड P-53 राइफल में गाय और सुअर की चर्बी वाली कारतूसों का इस्तेमाल शुरू हुआ तो हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के सैनिक भड़क उठे। हालांकि अंग्रेजी राज को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए देश भर में रोटी और कमल फिराकर क्रांति की जमीन तैयार की जा रही थी। तारीख तय थी 30 मई की, लेकिन कारतूस वाली घटना ने मंगल पांडे के बगावती तेवर में ढी डालने का काम किया और 10 मई को ही विद्रोह भड़क उठा। देश में क्रांति की पहली लौ जलाने वाले मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। ये खबर फैलते ही देश में जगह जगह आजादी का बिगुल बज उठा और देश में आजादी की पहली लड़ाई की शुरुआत हो गई। मंजीत ठाकुर, डीडी न्यूज़।